आपने मेरा नाम बता दिया, डॉक्टर काशिफ इमदाद, ज्योग्राफी से। मैं थोड़ा से अपने बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैं बी ए फर्स्ट ईयर में था तो मेरा ड्रीम यही था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और रिसर्च करना है। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे लाइफ में क्या करना है। कॉम्पिटिशन में मैं कभी गया नहीं, लेकिन हाँ मैंने कोचिंग ज़रूर पढ़ाई कुछ समय के लिए और अच्छे पैसे भी कमाए उससे। टीचिंग हमेशा से मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मैं बहुत क्लियर था कि मुझे बी ए करना है, एम ए करना है, नेट करना है, जे आर एफ करना है, पी एच डी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और ईश्वर की दया से कहीं पे भी मैंने कुछ मिस नहीं किया पूरे प्रोसेस में। और जितने परसेंटेज सोचे अपने लिए कि मुझे इतना गेन करना है, मेरा कभी टारगेट नहीं था कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, और मैं आया भी नहीं कभी। लेकिन मैंने अपने लिए जो टारगेट डिसाइड किया था, सेट किया था, मैंने उसे कभी मिस नहीं किया। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस रहें। हमारे टाइम में जो नेट का जो पैटर्न था वो डिफरेंट था, आज काफ़ी अलग है। और किस्मत से जब पहले एग्जाम्स होते थे तो उसमें जो राइटिंग होती थी, मतलब काफ़ी लिखना होता था, तो उसमें बहुत फैक्टर्स थे, जो ट्रिक्स थी जो बहुत ज़्यादा काम करती थी, खासकर ज्योग्राफी में। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेरियस डिपार्टमेंट्स वाले वो मुझे पढ़ते थे और मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए वहाँ पे कॉमर्स में और एमबीएज में। उनके बच्चों को मैं बताता था कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लिखना है, स्टाइल क्या होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, आप कहाँ डायग्राम्स ग्राफ्स बनाएंगे और बाकी सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि पहले सबका पेपर छूटता था। अब जब से ऑब्जेक्टिव हो गया है तो आपकी जो पर्सनल नॉलेज है, सब्जेक्ट में कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, वो रिफ्लेक्ट करने लगा है। तो अब शॉर्टकट एक्चुअली बचा नहीं है जो पहले हुआ करता था। और पहले रिजल्ट भी बहुत, मतलब जैसे साल में दो बार एग्जाम होता था, हेलो, और करीब 300 से 400 बच्चे जेआरएफ होते थे और करीब इतने ही नेट होते थे, तो बहुत कम रिजल्ट होता था, बहुत कम वैकेंसीज हुआ करती थी। अब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज है। हेलो, सॉरी थोड़ा माइक प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप लोग भी अपने लाइफ में जो भी करना है, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने आपको ज़रा फोकस कर लीजिए कि आपको करना क्या है। और मैंने एक टारगेट बना के चला और मैंने अचीव कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी एक टारगेट बना के चलें और जेन्युइन मेहनत करें तो आप कर लेंगे। और पढ़ने के घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी पढ़ा करता था बचपन से, बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं था। मैंने क्लास 11 से पिकअप करना शुरू किया, तो मैंने काफ़ी टाइम दिया पढ़ाई को, 8-8, 10-10 घंटे। मुझे याद है कई बार ऐसा हुआ कि जब मेरी मम्मी ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि 2 घंटे पहले आना नहीं। तो आप लोगों को भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और क्योंकि बच्चे अब लगातार स्मार्ट होते जा रहे हैं, हमारे टाइम में सारे बच्चे स्मार्ट नहीं होते थे, 2-4 होते थे, आजकल ज़्यादातर बच्चे स्मार्ट होते हैं। तो कॉम्पिटिशन आपका बहुत ज़्यादा है, ज़रूर वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है क्वांटम जो है वो ज़्यादा है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर उठने के लिए। यूजीसी नेट में बेसिकली 2 पेपर अब हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू। किस्मत से अनुसर को बोलना था, लेकिन क्योंकि बनाया मैंने है तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली इसमें जो है वो 10 कंपोनेंट हैं पेपर वन के, और ये जो पेपर वन है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 नंबर के होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आपका होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 10 इसमें क्वेश्चंस हैं, इसको करने के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। आपका रीजनिंग, आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग चलता है वो इंपॉर्टेंट है। आप ये भी याद रखिए कि आपको 100% स्कोर नहीं करना है, आपको इसमें केवल 75-80% स्कोर करना है, और बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रीजनिंग वाले हैं, और आप में से ज़्यादा लोग नेचुरली अगर अभी इस पेपर को लेके बैठ जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 50% क्वेश्चन आप में से 90% लोग सही कर लेंगे। तो पूरी फाइट है वो अगले 20-30% क्वेश्चन की है कि वो कौन कर पाता है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पढ़ाना कैसे है, आपने कुछ पूछा या बताया और बच्चे ने बीच में कुछ टोक दिया तो आप कैसे रिप्लाई करना है, बहुत ही बेसिक सारी चीज़ें हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च में बेसिकली अगर आप कोई पीजी कर रहे हैं तो जैसे हमारे यहाँ एफटीआर होता है, या दूसरे सब्जेक्ट में डिसर्टेशन होता है, तो अगर आपने डिसर्टेशन या एफटीआर किया है तो आपको पता होगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या है। और अगर नहीं किया है तो कुछ बुक्स हैं जिनका रेफरेंस लगा हुआ है, सर ने लगाया है, उन बुक्स को पढ़ लेंगे तो आपका टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, ये सब आपका सिविल्स में भी होता है और सर ने डिटेल भी बताया होगा। लॉजिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पीपल डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम है। एक्चुअली जो इसमें चीज़ें आपको पढ़ना है या याद करना है, इसी के लिए रटना है, वो बेसिकली आपका हायर एजुकेशन है, इन्वायरमेंट के कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन अब ज्यादा आने लगे हैं, पहले कम आते थे, और उसमें बड़ी बेसिक चीजें पूछते हैं, रैम क्या है और मदरबोर्ड क्या होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, ये कोई भी बेसिक आप कंप्यूटर की बुक लेंगे और पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ लेंगे। तो नीचे वाले जो तीन कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट वो हैं जो आपको याद करने हैं, ऊपर वाले वो सारे कंपोनेंट हैं जो आप अपने बेसिक रीजनिंग और लॉजिकल जो आपकी एनालिटिकल पावर है, एबिलिटी है, आप उससे आंसर कर पाएंगे। इसमें बस आपको मेहनत ये करनी है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। आप बुक्स ले लीजिए पुरानी और सारे पुराने क्वेश्चंस लगाने लगे। अब तो बहुत ही अच्छा हो गया कि यूजीसी पुराने क्वेश्चंस को वेबसाइट पे डालती है, हमारे टाइम में ये अवेलेबल नहीं था, और अब मार्क्स भी बताती है, पहले मार्क्स नहीं बताती थी कि आपके मार्क्स कितने आए। जब हम लोगों ने क्वालिफाई किया DRF तो 200 में से मेरे सिर्फ 100 नंबर थे पेपर थर्ड में, और मैंने DRF क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो मैं सडनली मेरिट बहुत लो गई थी उस टाइम। तो अब आपको नंबर्स भी पता है कि आपको नंबर्स कितने लाने हैं, और आपको ये भी पता है कि पुराने क्वेश्चन क्या है। ज्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि वो बच्चे जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पेपर को जेन्युइनली सॉल्व करते हैं वो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं। जेन्युइनली सॉल्व करने का मतलब ये है कि जैसे एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और आपको पता है कि ऑप्शन जो सी है वो सही है। जैसे मान लीजिए कि एक लिखा हुआ है कि ये जो इंडिविजुअल हैं इनमें से कौन सी बुक इनके द्वारा लिखी गई है, तो आपको पता है कि आंसर सी जो है वो हेरोडोटस जो है वो सही है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऊपर के जो बचे हुए तीन लोग हैं इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी। तो आप करिए क्या कि जब आप लगाइए तो वो देखिए कि सही क्या है, और साथ में वो भी स्टडी करिए कि जो गलत है वो क्यों गलत है और उसका सही आंसर क्या होगा, या वो किताबें किसने लिखी हैं। आपको बस इतना करना है। तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगाइए और जितने ऑप्शन हैं सबको स्टडी करिए, और नेट निकालने के लिए आप विश्वास रखिए, ये काफी ट्रिक होगी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए। JRF के लिए आपको सब्जेक्ट में थोड़ा सा और डीप डिग करना पड़ेगा और थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है, और मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप 50 में से 85 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप अच्छे। मैंने मैक्सिमम जब एक बार किया, जब मेरा JRF हुआ था, तो मेरे 36 जो थे वो सही थे, ठीक है। और उस टाइम ये मेरे ख्याल से टॉप के आसपास रहता था, और अभी भी किसी बच्चे के बहुत अच्छे हो गए तो वो 40 सही हो जाते हैं, यानी 80%। तो आपको जो फाइट करना है वो 70 प्लस के लिए करना है, कि आपके जो नंबर हैं वो पेपर फर्स्ट में 70 प्लस कम से कम हो, 75 टू 80 हो तो और अच्छी बात है। अब आ जाते हैं पेपर टू में। पेपर टू आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, मेरे ख्याल से 86 या 90 सब्जेक्ट आ गए, हमारे टाइम पे 84-85 हुआ करते थे, और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, इसलिए MA MSc भी लिखा हुआ है, ठीक है। MBA वाले बच्चे भी इसी से आते हैं, और एनवायरमेंट में जो MSc करते हैं, एनवायरमेंट वाले MSc वाले करने वाले बच्चे UGC भी दे सकते हैं, CISR भी दे सकते हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी के जो बच्चे हैं, PG ज्योग्राफी के, ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप CSIR से भी दे सकते हैं नेट, और आप UGC से भी नेट दे सकते हैं, आप दोनों से नेट दे सकते हैं। अब क्योंकि CSIR में पहले जो है वो साइंस पेपर फर्स्ट साइंस होता था, और सारे साइंस पूछे जाते थे, तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल था जो आर्ट बैकग्राउंड के लिए थे। लेकिन अब जो है उन्होंने भी पेपर फर्स्ट में, शायद अभी सर बताएंगे, वो उन्होंने एप्टीट्यूड ही कर दिया है। तो अब जैसे ज्योग्राफी के जो बच्चे हैं वो अर्थ साइंस कैटेगरी में जो आपका पेपर है आप दे सकते हैं, और आप वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसके थ्रू भी आप रिसर्च फेलोशिप भी ले सकते हैं, और आप LS के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेक्चरशिप के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे कॉलेज के ही पुराने टीचर थे, उन्होंने स्टाइसेक के थ्रू ही उन्होंने नेट क्वालिफाई किया था। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। ये जो पेपर है ये आपका प्योर सब्जेक्ट की आपके अपने नॉलेज के ऊपर है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो सबसे अच्छी जो स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी कि आप 10 साल के पेपर लगाइए और आप उसको थॉरली डीपली स्टडी करिए, मोस्ट प्रोबेबली आप जो नेट है वो क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो टारगेट है आपका वो नेट नहीं है, याद रखिए, क्योंकि नेट क्वालिफाई करके नौकरी नहीं मिलेगी। नेट खाली वो है जो आपका एग्जाम है, जो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, जिस सर्टिफिकेट के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। मेन जो एग्जाम है वो उसके बाद है, जो कमीशन के एग्जाम होते हैं और जो यूनिवर्सिटीज के इंटरव्यू होते हैं जिनको आपको फेस करना है। यानी अगर आपने नेट JRF क्वालिफाई कर भी लिया तो भी आपको कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूस पढ़ाई से करनी। जैसे हम पुराने समय में जब हम नेट JRF क्वालिफाई कर लेते थे तो हमको लगता था बस हो गया, ठीक है, फिर अपनी रिसर्च में लग गए, एकेडमिक्स भूल गए। अगर आप अपना सब्जेक्ट 2 या 3 साल नहीं पढ़े तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत जेन्युइनली और बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि हमने JRF क्वालिफाई किया, उस समय JRF क्वालिफाई किया जब बहुत कम वैकेंसीज होती थी और मुश्किल था। लेकिन उसी एग्जाम को अगर आप आज हमें फिर से बैठा दीजिए उसमें, तो हम शायद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जो हमने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान दी। रीजन ये है कि अब हम बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए हैं, हमारे 3-4 पेपर्स हैं जिन्हें हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, और एक सब्जेक्ट का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है।
तो इसलिए आपको नेट क्वालिफाई करने के बाद या जेनेट क्वालिफाई करने के बाद और पीएचडी एनरोल होने के बाद भी आपको डेली कुछ समय देना है और आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन करवाए चाहे यूपीएससी करवाए डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए, दोनों को क्वालिफाई करने के लिए आपको रिटर्न का जो बैरियर है वो फिर से क्वालिफाई करना होगा। तो नेट जेनेट क्वालिफाई करने के बाद भी आप लगातार मेहनत कीजिए, राम जी यहाँ पे हैं, उन्होंने इसी तरीके से मेहनत की और बाद में क्वालिफाई किया, जबकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जेनेट क्वालिफाई करते हैं बाद में एग्जाम नहीं निकाल पाते क्योंकि जो कंटिन्यूटी है वो खत्म हो गई। तो आपको कंटिन्यूटी जो है अपनी वो मेंटेन करके रखनी है। तो जो पेपर टू है उसमें 100 पे क्वेश्चन रहेंगे और आपको मान के चलिए इसमें से 100 में से 75 इज अ गुड स्कोर, ठीक है। और जो जेआरएफ है वो हमेशा 75 के आसपास रहता है, कभी वो 76 77 चला जाता है अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है इजी है, और अगर डिफिकल्ट पेपर है तो वो 71 इनफैक्ट 69 68 तक भी जेआरएफ मैंने देखा गया है, एक बार 65 तक भी गया था। तो 75 जो है वो आपका टारगेट है और उसे आपको अचीव करना है। इसमें जो आपकी बुक्स हैं आप सिलेबस यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और एक एक यूनिट की टेक्स्ट बुक खरीदिए और उन टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करिए और कोशिश करिए कि एक पेपर की दो या उससे ज़्यादा टेक्स्ट बुक आप रेफर करें। अगर एक बुक से आप पढ़ते हैं तो वो नॉलेज हमेशा से थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी होती है, तो कोशिश करिए जो भी नोट्स आप बना रहे हैं वो कम से कम दो टेक्स्ट बुक जो है उनसे ये नोट्स बनाएं। उसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है ये इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन इस टाइम चल रही है UGC-NET की,